Assalamu alaikum ji, welcome back. Mera naam Abdullah aur aap dekh rahe hain mera YouTube channel. And sadi abhi sare jo hai wo uthi gaye hain. Bas guzar rahe hain pehle. Sare uth gaye hain, nashta kar rahe hain aur mera nashta bhi karna hai. Aap dekhte hain to muh se mere dhuan nikal raha hai aur abhi jo subah ka nazara hai wo bhi aapko dikhate hain aur pehle nashta kar se fir aapko sara nazara dikhate hain. Choti si jhalki aapko dikha raha hoon ye dekh. Jahan pe hum log thehre hue the ये सारा जरा उधर से व्यू है. क्या बात. अभी नाश्ता कर लें फिर आपको दिखाते हैं. ये सामने जी चाय वाली दुकान भी खुली हुई है. ये सारी मार्केट है ये अभी बंद है. और ये हमारे मास्टर जी अपना नशा पूरा करते हुए साथ में हमारे हाफिज साहब हैं. इस बिल्डिंग में हम स्टे किया हुआ है. हमने उसके ऊपर वाला जो फ्लोर है ना वो होटल बना हुआ है और जो ग्राउंड फ्लोर है वहाँ पे बैंक है. तो आज सैटरडे है तो सैटरडे संडे को बैंक हमारे उधर तो बंद होते हैं. इनका पता नहीं कि इधर बंद होते हैं कि नहीं. वैसे टाइम तो हो गया हुआ है लेकिन अभी तक ओपनिंग वगैरह इनकी कोई नहीं हुई. मेरे ख्याल से इनको भी छुट्टी होती है. तो नाश्ता वगैरह मैंने भी नाश्ता कर लिया है और ये दोनों जो मेरे पास खड़े हैं इन्होंने भी कर लिया है. कुछ अंदर हैं जिन्होंने अभी करना है वो करते हैं. उस तो भी देर तक हमारा जो टूर गाइड है वो भी आ जाएगा तो 1300 साथ ले के तो निकलेंगे इंशाल्लाह. अच्छा जी मैं अभी अपने होटल की जो ऊपर वाली छत है वहाँ पे आया हूँ और यहाँ से सामने जो मेरा देखने वाला जो नज़ारा है वो बहुत ही खूबसूरत है क्योंकि पहाड़ों का सीन है. चारों साइडों में पहाड़ हैं और दरमियान में ये वादी है. जिस वादी में हम लोग ठहरे हुए हैं उस वादी का नाम है वादी स्मानी. और ये यहाँ की जितना भी लोकल एरिया है वहाँ पे काफ़ी फेमस काफ़ी जानने वाली ये वादी है. यहाँ पे बैंक्स वगैरह हैं, डिपार्टमेंटल स्टोर्स हैं, कॉलेज स्कूल्स वगैरह सारा कुछ है यहाँ पे. एक मतलब टाउनशिप जिसे बोलते हैं ना वो वाली उस तरह की ये आबादी है. तो अभी मैं जहाँ पे खड़ा हूँ यहाँ से मुझे जो व्यू आ रहा है बड़ी दूर तक मुझे यहाँ से व्यू आ रहा है क्योंकि मैं अपने होटल की जो सबसे ऊपर वाली छत है वहाँ पर आया हूँ. वो भी सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए कि कितना खूबसूरत नज़ारा है. अभी अभी मैंने थोड़ा जो है ना वो मिस कर दिया है क्योंकि मैं थोड़ा उठा लेट हूँ और लेट उठने की वजह ये थी कि मैं सोया लेट था. एक तो मुझे नींद आ नहीं रही थी तो फिर जब नींद आई तो काफ़ी टाइम हो गया हुआ था. तो अभी मैं थोड़ी देर पहले ही उठा हूँ तो जो पहले उठ गए हुए थे उन्होंने मुझे बताया कि सुबह देखने वाला नज़ारा था यहाँ से सामने इस साइड से जो है सनराइज़ हो रहा था. तो काफ़ी मज़े का नज़ारा था वो मुझे दूसरे जो मेरे साथ आए हुए हैं उन्होंने मुझे बताया है. लेकिन मैं थोड़ा लेट हो गया हूँ. अभी मैं आपको 360 व्यू देता हूँ आप लोग देखें और नीचे कमेंट में मुझे बताइएगा कि ये वादी आपको कैसी लगी है. ये देखिए जी ये चारों साइडों पे ये पहाड़ हैं और इतने छोटे नहीं हैं. इनकी हाइट भी काफ़ी ज़्यादा है इतनी कम हाइट नहीं है इनकी. ठीक है तो ये मैं आपको 360 व्यू जो है वो आपको दिखा रहा हूँ. ये चारों साइडों में पहाड़ है और दरमियान में जो है ये वादी है और बहुत ही खूबसूरत है बहुत ही खूबसूरत है. जहाँ पे मैं स्पेशली अभी मैं सबसे ऊपर आके खड़ा हुआ हूँ तो यहाँ से तो कमाल का नज़ारा मुझे मिल रहा है देखने को. चाय बन गई है जी. ये चाय पीते हैं और साथ में थोड़ी सी ट्यूबले फिर अभी मैं मेरा दिल कर रहा था कि मैं ना एक छोटी सी राइड पर जाऊँ क्योंकि मैंने कोई कल भी शनिशाह जी ने मुझे जो कहना वो बाइक ज़रा भी मुझे नहीं चलाने दी. उन्होंने सारा सफ़र जो है उन्होंने बाइक चलाई है तो भी मेरा दिल कर रहा था बाइक चलाने को. तो मैं कह रहा था कि मैं जाता हूँ फिर तो मैंने कहा चलो चाय बन रही है चाय पी पे तो फिर चलते हैं. अभी ये चाय पीते तो फिर आपको ना थोड़ा सा चक्कर लगवा के लाते हैं आधे से बस दिखाते हैं. अच्छा जी ये शानिशान है और ये जनाब अजर दुआन है. ये मास्टर जी हैं और ये मेरा यार मेरी और ये हमारा प्रोग्राम अब इधर से ख़त्म हो गया. नाश्ता वगैरह कर लिए अब हम निकलने लगे अपने पॉइंट से. हम लोगों ने जाके घूमने और जो हमारे टूर गाइडर है वो भी भाई आ चुके हैं. तो अभी इंशाल्लाह निकलते हैं जाके देखते हैं कि आज कौन कौन से पॉइंट विज़िट करेंगे. खुद भी करेंगे आप लोगों को भी दिखाएंगे इंशाल्लाह. अभी हम लोग जा रहे हैं जी एक व्यू पॉइंट है जंगल होटल. तो अभी यहाँ पे खड़े हुए हैं
क्योंकि हमारी जो गाड़ी है ना वो काफ़ी पीछे रह गई है, सो हम लोग उनका वेट कर रहे हैं, वो आते हैं फिर उनको साथ से लेके तो साथ साथ चलेंगे आगे। हम लोग ज़रा बाइक्स पे हैं तो बाइक्स पे ज़रा ज़्यादा जल्दी बंदा आगे चला जाता है, वो तो गाड़ी पे थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि रास्ता जो है ना वो इतना कोई अच्छा नहीं है, इस वजह से अभी यहाँ पे खड़े हुए हैं, अभी आते हैं वो तो फिर उनको साथ से लेके फिर चलते हैं। अच्छा जी, अभी एक पॉइंट है यहाँ पे जंगल होटल, उस वहाँ पे हम आए हैं, तो पीछे सारा ये सारा बॉर्डर एरिया है, तो हम लोगों को जो हमारे टूर गाइड है उन्होंने मना किया था कि यहाँ पे वीडियो वगैरह ना बनाना, लेकिन मैं बना रहा हूँ, तभी देखते हैं नीचे जहाँ पे लेके जाते हैं मुझे। ये थोड़ी सी हाइकिंग है, हाइकिंग भी डाउन स्टीप डाउन है नीचे जाके, तो फिर ये सामने थोड़ा सा है कि जगह है वहाँ पे जाके बैठते हैं, कोई पॉइंट वगैरह है कोई देखने वाला तो वो दिखाते हैं। ये है जी भाई हमारे जो टूर गाइड है, लास्ट टाइम हम लोग जब आए थे तभी इनके साथ ही हम लोगों ने टूर किया था, यही हम लोगों को लेके गए थे, तो इस दफ़ा भी इनके साथ ही कांटेक्ट कर लिया था और भी ये हमें लेके आए हुए हैं। यहाँ पे अगर कोई आए तो उनको सजेस्ट यही करना चाहिए कि इनके साथ वो कांटेक्ट कर ले, क्योंकि आर्मी की जो चेक पोस्ट है ना उनसे गुजरना काफ़ी थोड़ा मुश्किल हो जाता, तो ये लोकल है यहाँ पे तो इनको जो वो अलाउ कर देते हैं। अच्छा जी, हम लोग नीचे वाटरफॉल के पास आ चुके हैं, अगर मैं आपको दिखाता हूँ कि हम लोग आए कहाँ से, ये काफ़ी नीचे है, काफ़ी गहराई में है, तो अगर आप लोगों को मैं दिखाऊँ तो ये यहाँ से हम लोग ये यहाँ पे नीचे आए हैं, और ये एक वाटरफॉल है छोटी सी, यहाँ पे इतना ज़्यादा पानी तो नहीं है लेकिन वाटरफॉल है थोड़ी सी, और जो हमारे टूर गाइड है उन्होंने हमें बताया है कि पानी ना होने की वजह ये है कि बारिशें नहीं हो रही, इस वजह से यहाँ पे पानी नहीं है, यहाँ पे ये थोड़ा बहुत पानी है भी, ये भी बारिशों का ही पानी है, लेकिन नीचे काफ़ी मज़े का सीन है, ऊपर देखने में तो नहीं था इतना लग रहा, शानी शाह वो देख के वो देख रहे हैं नीचे से, ये वाटरफॉल है यहाँ पे कुछ वगैरह बनाते हैं तो फिर वापसी चलते हैं ऊपर। अच्छा जी, अभी एक पॉइंट पे हम लोग आए हैं, इस पॉइंट का मुझे नाम तो नहीं पता लेकिन ये थोड़ी सी इसकी हाइक है, ये देखिए ये गाड़ी हम लोगों ने वो नीचे खड़ी कर दी है, गाड़ी वाले भी पैदल ऊपर आएंगे, और मैं जो हूँ वो मेरी बाइक ऊपर चली गई है तो मैं अभी पैदल ही ऊपर आया हूँ। यहाँ से नीचे जितनी भी आबादी है सारी आबादी का बहुत अच्छा व्यू आता है, और यहाँ पे ना सांस भी काफ़ी फूल रहा है मेरा, पता नहीं क्यों, लेकिन अब देखते हैं यहाँ से आपको भी व्यू चेक करवाते हैं। जरा ये टोटल यहाँ पे जो है व्यू नज़र आएगा, टोटल जितनी भी आबादी है यहाँ पे वो सारी बड़ी दूर तक ये नज़र आती है। हम लोगों ने जिस पॉइंट पे जाना था वो वहाँ पे हम लोग आ चुके हुए हैं, अभी आगे आपको दिखाते हैं, तो ये शानी शाह जी लगे हुए हैं जो खाना पकाने का प्रोग्राम कर रहे हैं, अभी तो ये स्टार्ट किया है, और पीछे हाफ साहब बैठे हुए हैं, हाफ साहब ने सारे मसाले जो है काट फूट दिए हैं, प्याज भी ब्राउन हो रहा है, कुछ लोग दो बंदे किए हैं जी वो चावल भी भिगोनेंगे नहीं, ये कुछ बंदे बैठे हुए हैं, ये चादर वाले अहमद साहब और साहब मैं शमस भाई मौलवी साहब और मास्टर साहब बैठे हुए हैं भूख में, और मास्टर जी आप अपने साथ आटा बाल लें शादी के पास इनकी हेल्प करने के लिए, और यहाँ पे हवा बहुत ज़्यादा ठंडी चल रही है और जिस वजह से हमारा चूल्हा भी ना मसला कर रहा है, तो इसके आगे दूर रखा है अभी ताकि इसको हवा ना लगे और जल्दी से ये चूल्हा जो है वो सही तरह जले और हमारी आंटी सही पके, तो भी इंशाल्लाह ये बना के तो खाने वगैरह का प्रोग्राम हम लोग करके तो फिर यहीं से इंशाल्लाह वापसी का प्रोग्राम शुरू होगा। चलिए अच्छा जी, ये जहाँ पे हम लोग पका के बैठे हुए हैं बहुत गहरी खाई है, बहुत ही गहरी खाई, ये सारी आबादी
ये बड़ा ही मजे का पॉइंट है, बहुत मजे का पॉइंट है। मैं यार बहना नहीं अच्छा जी, खाना वगैरह भी हम लोगों ने खा रही है, ये देश का पूरा भरा हुआ था हम लोगों ने खा रही है, कितनी ज्यादा लगी हुई थी कि ये बन के रेडी हुआ इसी खाने यार इसको समेट के निकल दे।